हाँ ठीक है वो। हेलो हेलो। और इसके साथ ही आज का ये फाइनल, आज डे का ये फाइनल मैच देखना है, दोनों जोरदार टीमें बराबर की हेलो टक्कर हेलो की टीमें हेलो हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज अंतु और प्रवीण सामना करेंगे विशाल का। अच्छा शॉट और वहां पे अच्छी फील्डिंग, एक रन से संतोष करना पड़ेगा अंतु को। इसी के साथ में अपने टीम का खाता और अपना भी खाता खोलते हुए स्ट्राइक पे प्रवीण सामना करेंगे विशाल का। बालाजी त्रिपल सेवन के दोनों सलामी बल्लेबाज, काफी अच्छा परफॉर्मेंस और काफी अच्छा नाम है एक तरीके से देखा जाए तो आज। और खिलाफ में जो टीम, दोनों का जोरदार मुकाबला यहाँ पे देखने को। आज का डे का ये फाइनल मैच है। विशाल रनिंग मार पे जाते हुए सामना करने के लिए स्ट्राइक पे प्रवीण, प्रवीण ने प्लेस कर दिया शॉट आपकी दिशा में, वहां पे फील्डर भाग करके एक रन लेने का प्रयास, हेलो और हेलो दोनों खिलाड़ियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे एक रन कंप्लीट किया। काफी रोमांचक मुकाबला, क्योंकि हेलो आज का हेलो ये फाइनल मुकाबला है। देखा जाए तो दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई, और थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट्री का भी, जो ट्रांजिशन कमेंट्री की यहाँ पे झलक आपको सुनने को मिल सकती है। इसी के साथ रनिंग मार पे जाते हुए बॉलर रनिंग मार पे विशाल, विशाल का सामना करने के लिए अंतु, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, स्लोवर डिलीवरी थी वहां पे, शॉट लेग की दिशा में वहां पे फील्डर मौजूद। फील्डर ने गेंद को यहाँ पे अपने हाथों में पूरी तरीके से कैच करने के बाद बॉलर विशाल, विशाल को गेंद पकड़ाने का प्रयास करते हुए, इसके साथ ही विशाल रनिंग मार पे जाते हुए और अपने शूज के बंधन को थोड़ा सा सीधा सहित कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा 2-3 सेकंड का टाइम लगने के बाद रनिंग मार पे। काफी रोमांचक मुकाबला, काफी लंबा, लगभग 12-13 रनों का, कदमों का रन अप सामना करने के लिए अंतु, अंतुरी स्ट्राइक पे। बहुत ही जोरदार हिट जिसके लिए जाने जाते हैं अंतु, बहुत ही खूबसूरत सा। अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन अंतु ने यहाँ पे जोरदार सिक्सर के जरिए स्कोर की गति बढ़ाई। विशाल, विशाल की अगली गेंद सामना करने के लिए, तो और इस बार कामयाबी है पूरी चतुराई के साथ, और ये डिक्लेयर का एक रन का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। नो नो, 5 बॉल की समाप्ति, 9 रन। आज का ये फाइनल 4 ओवर का मैच खेला जा रहा है। राधे राधे CC11 के बॉलर विशाल, देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे उल्लासनगर 5 नंबर का ये दशहरा ग्राउंड, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए विशाल के अगली गेंद सामना करने के लिए प्रवीण स्ट्राइक पे। बहुत ही अच्छी डिलीवरी, कोई मौका नहीं, चकमा दिया पूरी तरीके से यहाँ पे, जिसके लिए जाने जाते हैं विशाल। एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बॉलर्स की ये पहचान होती है कि बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब हो। सकारात्मक यहाँ पे शुरुआत किए थे बालाजी 777 के दोनों सलामी बल्लेबाज अनुयन प्रवीण। अगले बॉलर के रूप में कैफ, काफी जाना पहचाना नाम है, और आज दशहरा पे आज का दिन का जो फाइनल मैच खेला जा रहा है,
देखना है किस तरीके का परफॉर्मेंस उनका होता है। काफी सीनियर खिलाड़ी भी हैं और थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करते हुए मैच ऐसा लग रहा है कि रोमांचकता के चरम पे जाएगा। और एक रन यहां पे इजाफा होता हुआ, कैप रनिंग मार पे जाते हुए उनका सामना करने के लिए स्ट्राइक पे प्रवीण कैप, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, वाह कामयाबी हासिल करते हुए यहाँ पे कैफ। का इस्तेमाल करते हुए कैफ अनुभव और टैलेंट का दोनों का, और इस बार बहुत ही अच्छी बॉल पूरी तरीके से यहां पे डॉट गेंद करवाते हुए कैफ। प्रवीण जो कि लगातार दो गेंदे डॉट किया यहां पे, अगले गेंद पे उम्मीद, बहुत ही अच्छी बॉल और खतरा हो सकता है यहां पे सिक्स साथ आउट प्रेशर वहां पे प्रवीण को। के रूप में कमल राइट हो दे विकेट मुन्ना खराब फटका बैट्समैन पहला गाड़ी गारत पहला हादरा पहली लगने लगे अवदसा साढ़े साती नाट नष्ट वाह बहुत ही अच्छी बॉलिंग, एक रन यहाँ पे डिक का कैफ पूरी तरीके से यहाँ पे सफल गेंदबाज साबित होते हुए पांच बॉल पे अभी तक दो रन मात्र यहाँ पे आए हैं, काफी सफल और एक गेंद इनकी शेष खाते की रह गई है, उसको अगर ये निकाल देते हैं तो बहुत अच्छा ओवर माना जाएगा। स्ट्राइक पे अंतु सामना करेंगे कैफ का, रनिंग मार पे जाते हुए बहुत ही तेज शॉट उछाल दिया है, काफी ऊंचाई पे देखना है वहां पे कामयाबी मिलती है कि नहीं, और यहां पे कैच ड्रॉप गोपाल के द्वारा डीप लॉन्ग आप पे वहां पे इस तरीके का कैच काफी महंगे साबित हो सकते हैं, और इसी के साथ तीन रन वहां के कंप्लीट किया है गोपाल। हालांकि अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं लेकिन कभी कभी गलतियां लाजमी है, क्रिकेट का ये भी एक अंग होता है। हालांकि लेफ्ट साइड में अपने काफी 10-12 कदम भागने के बाद भी कवरिंग तो कर लिए थे लेकिन पूरी तरीके से शायद है कि गेंद को कैच नहीं कर पाए और उसका खामियाजा तीन रन के रूप में यहां पे भुगतना पड़ा टीम को। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। बॉलर बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए अंतु बहुत ही फुल यहाँ पे एक रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, बहुत ही तेज गति की बॉल डाली गई थी अंतु को, हालांकि अंतु वहां पे कुछ आपस में बॉलर नीलेश घातक गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। नीलेश की अगली गेंद सामना करने के लिए कमल, बहुत ही अच्छी बॉल, सूझबूझ की गेंदबाजी का परफॉर्मेंस यहाँ पे बालाजी 777 के बल्लेबाज, हल्का सा असमंजस में यहाँ पे
रन बनाने की जरूरत। यहाँ पे दशहरा का खूबसूरत मैदान, चारों तरफ दर्शक। नीलेश, नीलेश की अगली गेंद, सामना करने कमल, वाह बहुत ही अच्छी डिलीवरी, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। नीलेश कैफ, कैफ के बाद कैफ ने लगातार डाट गेंदें डाली, अब उनका भी साथ निभा रहे हैं नीलेश। इस तरीके के परफॉर्मेंस से एक दूसरे का हौसला, जब हौसला बुलंद होता तो उसी तरीके से मैच में पकड़ एक मजबूत बनती है। अब यहाँ पे हालांकि बैट्समैन को अलग से कुछ सोचने की जरूरत, क्योंकि सिंगल और दो से कुछ नहीं होने वाला है। नीलेश की अगली गेंद, सामना करने के लिए स्ट्राइक पे बैट्समैन हिट करना चाहते थे, एक बार डॉट बॉल पूरी तरीके से हावी होते हुए नीलेश। काफी रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद यहाँ पे। अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, और अंतु, नीलेश टू अंतु, राइट हैंड, अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं इस बार, लेकिन वहां पे कामयाब नहीं हुए, आउट। लाई से यहाँ पे चोट लगने के बाद, लेकिन फिर भी मैदान पे जाकर के डटे रहे और कोशिश भी की अपनी टीम के लिए। अंतु जो कि आउट होने के बाद पवेलियन की तरफ जाते हुए, और उनका स्थान लेने के लिए गोविंद, देखना है किस तरीके से अपनी टीम के लिए प्रदर्शन इनका रहता है। यहाँ पे उनकी जरूरत, हालांकि पीछे टाइम पिछले मैच में भी उन्होंने आकर के पूरी एक सिक्स लगा करके मैच को अपनी तरफ मोड़ा था, काफी अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके सामने भी यहाँ पे चुनौती है नीलेश के रूप में। नीलेश रनिंग मार पे जाते हुए सामना करने के लिए गोविंद, देखना किस तरीके चाचा हिट करती है, गेंद सीमा रेखा के पास जाती है, छह रन के लिए कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के पास जाती है छह रन के लिए, और ये गोविंद के द्वारा लगाया गया। मनोरंजकता यहाँ पे लाते हुए रोमांचित कर दिया है, आते ही यहाँ लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्लेसमेंट किया गया, क्लासिकल शॉट, छह रन, बहुत ही खूबसूरत, जितना तारीफ किया जाए कम। एक अच्छे बॉलर को अगर जिस तरीके से अगर बैट्समैन जब शॉट खेलता है और वहां पे चौका या छक्का लगता है तो उसकी एक पहचान ही अलग होती है। नॉर्मली तौर पर सिक्स या फोर मारना अलग बात है। स्कोर बताओ, स्कोर इसके साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, 22 रन। जितना ही रन रहता है उतने अच्छा रहता है मैच, कभी किस कर्मठ बदल जाए कुछ पता नहीं, कभी कभी मैं भी आउट हो गया तो मेरी खता नहीं, क्रिकेट इज लक बाई चांस, क्रिकेट में बहुत कुछ होता है और कुछ भी होता है। इसके साथ ही लास्ट ओवर लेकर के यहाँ पे आए हैं बॉलर, बॉलर सुमित, सुमित का सामना करेंगे वहां पे, साठ डिलीवरी। सुपला शॉट, इसे ही बोलते हैं सुपला शॉट। अभी जिस तरीके से यहाँ पे पांच गेंदे शेष बचे खेलने को, और देखना है यहाँ पे गोविंद किस तरीके से सामना करते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, कोई मौका, सिक्स अगर मारते हैं तो राजभाई की तरफ से 2000 रुपए गोविंद के लिए, और ये वापस भी खेल दिया है।
यहाँ पे 2000 का जीत के जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। एक छक्के की जरूरत गोविंद के लिए शुभ हो सकता है मुहूर्त, क्योंकि दशहरा में आज उनकी ही जरूरत। इसके साथ ही आज यहाँ पे लाइव मैच फाइनल मैच में रोमांचकता पैदा करते हुए सभी दर्शकों को यहाँ पे अभिवादन करते हुए हजारों की संख्या में जो दर्शक इस रोमांचक मैच को बादर के अगली गेंद सामना करने के लिए स्ट्राइक पे गोविंद और इसे के साथ ये तो हजार के हजार बन सिक्स मारने पर 5000 और राज के तरफ से सॉरी। और इसके साथ ही आक्रामक सिक्सर से हैट्रिक सिक्सर से यहां पे रोमांचकता प्राप्त करते हुए बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए स्ट्राइक पे गोविंद और ये नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और नो प्लस वन प्लस फ्री हिट। और इसके साथ ही देखना यहाँ पे किस तरीके से फायदा उठाते हैं फ्री हिट का। दूसरे बल्लेबाज वहां पे स्ट्राइक पे, लेकिन यहाँ पे डॉट बॉल डॉट कराने में कामयाब हुए और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैटिंग का प्रदर्शन गोविंद के द्वारा रोमांचित कर दिया यहाँ पे पवेलियन में अपने समर्थकों को सभी दर्शक। तीन गेंदों में 3 सिक्स मार करके राज के द्वारा जो बख्शीश रखी गई थी 2000 रुपए के हकदार बने हैं यहाँ पे गोविंद जी। नहीं मालूम हेलो, इस मैच को जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। 4 ओवर में 44 रन, 11 चौक 44, 11 रन का एवरेज पर एवरेज। हर ओवर में राधे राधे को 11 रन की जरूरत है, 6 बॉल पे 11 रन के एवरेज से रन बनाने की जरूरत। और थोड़ा एम्पायर से रिक्वेस्ट है कि मैच को जल्दी से चालू करें। दोनों टीम के कप्तान से रिक्वेस्ट है के ग्राउंड के अंदर अपने खिलाड़ियों को भेजे। अंदर पड़ाईचा आज सामना सुरू करावा। संजू सिंह लबना
कॉन्टेक्ट टू डीजी ऑफिस। दोन्ही संघांना विनंती आहे लवकरात लवकर सामना सुरू व्हावा। और आज का ये फाइनल मैच, जो टीम आज इसमें जिस मैच में जीतेगी उसके बाद फाइनल में प्रवेश करेगी। कल जो मैच खेला जाएगा और स्ट्राइक पे गोविंद, गोविंद का सामना करेंगे गोविंद, गोविंद वन गोविंद टू। अब देखना है किस तरीके से यहाँ पे गोविंद की गेंद, बहुत ही अच्छी आर्कर डिलीवरी यहाँ पे कामयाब हुए। आर्कर डिलीवरी बहुत ही शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, पहली गेंद पे गोविंद को बैट किया। गोविंद की अगली गेंद, सामना करने के लिए स्ट्राइक पे बैट्समैन हिट कर दिए जोरदार, वहां पे खतरा हो सकता है। और यह आसान कैच, दूसरी गेंद पे गोविंद ने गोविंद को राधे राधे के नए बल्लेबाज के रूप में कैफ। गोविंद आउट होकर के पवेलियन में जाते हुए और उनका योगदान टीम के लिए इस बार नहीं कर पाए हैं, उनका स्थान लेने के लिए कैफ सुमित का साथ देंगे। दोनों सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी टूटती हुई और उनका स्थान लेने के लिए गोविंद का मोहम्मद कैफ। कैफ देखना है किस तरीके से सामना करते हैं। आज का ये जो मुकाबला हुआ है, आज का फाइनल मुकाबला है, आज की जो टीम फाइनल यहाँ पे जीतेगी कल वो फाइनल खेलेगी। गोविंद की अगली गेंद, सामना करने के लिए कैफ हिट करने का प्रयास और बहुत ही अच्छा शॉट, हल्के बल्ले से खेला गया शॉट और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। हल्के बल्ले से डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया शॉट जो कि कैफ के द्वारा। गोविंद की अगली गेंद लेग साइड की दिशा में, लेकिन वहां पे बदकिस्मती से झाड़ में लगने के बाद एक रन कंप्लीट किया दोनों खिलाड़ियों ने। अच्छा शॉट था वहां पे। चार बॉल पे सात रन, सुमित स्ट्राइक लेंगे और एक तरीके से देखा जाए गोविंद, गोविंद के ओवर की अगली गेंद, गेंद को उछालते हुए राइट हैंड, बहुत ही अच्छी बॉल और ही तरीके से यहाँ पे बीट करते हुए चकमा देते हुए यहाँ पे गोविंद ने कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे अपनी टीम के लिए। अगली गेंद का सामना करने के लिए सुमित तैयार, देखना है किस तरीके से आज खेलने का प्रयास करते हैं। गोविंद टू सुमित, लेकिन रिटर्न गए एक्शन लेने से पहले। और इस तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कभी होता है मनोरंजन और अपनी गोविंद
रनिंग मार पे जाते हुए सामना करेंगे सुमित। अच्छा स्लो यॉर्कर था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्लेसमेंट, वहां पे फील्डर के हाथ में, फील्डर ने गेंद को सीधा फील्ड किया, दूसरे फील्डर को सर के ऊपर से जाते हुए, तीसरे फील्डर ने वहां पे गेंद को, अंतु ने गेंद को फील्ड किया। एक ओवर की समाप्ति, 8 रन, एक ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अठारह बॉल पे इस मैच को जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। बॉलर अगले बॉलर के रूप में प्रवीण, काफी जाना पहचाना नाम है, इस तरीके से उनका सामने करने के लिए सुमित। सुमित देखना है किस तरीके से अटैक करते हैं कि डिफेंसिव रहते हैं। प्रवीण के अगली गेंद, सामना करने के लिए सुमित, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, कोई मौका नहीं यहां पे, अपूरी तरीके से बीट करते हुए बॉलर प्रवीण से, कप्तान को जैसी उम्मीद थी ठीक उसी प्रकार से यहां पे ऑफसाइड की दिशा से गेंद को मूव कराते हुए अंदर की तरफ लाते हुए सीधा कीपर के द्वारा से हल्का सा ड्रॉप हुआ, लेकिन उसका कोई खामियाजा नहीं। बॉलर प्रवीण, प्रवीण की अगली गेंद सामना करने के पर, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, टॉप की डिलीवरी यहां पे के द्वारा, काफी सीनियर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, बैट्समैन को पूरी तरीके से चकमा देने में यहां पे कामयाब हुए प्रवीण। हालांकि यहां पे जरूरत है, अगर कभी भी प्रेशर हो तो प्रेशर को माइंड एकदम कोल्ड करके अच्छे शॉट निकालने का या स्ट्राइक चेंज करने की जरूरत होती है बैट्समैन को, हालांकि उनका अपना निजी फैसला। प्रवीण की अगली गेंद सामना करने के लिए सुमित स्ट्राइक पे तैयार, पूरी तरीके से खेलते, बहुत अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं, गेंद पर रखा जाता है, बना लिया था सुमित ने यहाँ पे, और इस तरीके से और पिच गेंद वहां पे सुमित के द्वारा फेंकी गई, प्रवीण के द्वारा फेंकी गई, ऑन साइड की दिशा में वहां प्लेस कर दिया गेंद, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट। चौदह बॉल में 29 रनों की जरूरत। प्रवीण की अगली गेंद सामना करने की स्ट्राइक पे यॉर्कर डिलीवरी, वाह बहुत ही अच्छी बॉलिंग, कैब को यहां पे बीट करते हुए प्रवीण, यहां पे दोनों अनुभवी खिलाड़ियों का मुकाबला देखा जाए, और दोनों के बारे में थोड़ा सा हमें भी जानकारी है कमेंटेटर होने के नाते, काफी अच्छा अनुभव दोनों का, कौन किसके भारी पड़ता है देखना पड़ेगा यहाँ पे। प्रवीण की अगली गेंद सामना करने के लिए कैफ, बहुत ही अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पे फील्डर मौजूद, ट्रिपल सेवन को पे खेला जा रहा आज का फाइनल मैच। दर्शक उनका हार्दिक स्वागत कमेटी की तरफ से अभिनंदन करते हुए, 12 बॉल पे 28 रनों की जरूरत। अगले बॉलर के रूप में हिमांशु का सामना करने के लिए कैफ, देखना है किस तरीके से सामना करते हैं यहाँ पे हिमांशु की अगली गेंद सामना करने के, हिट कर दिया अनसाइड की दिशा में, वहां रन, यहाँ पे देखिए फील्डर की यहाँ पे खासियत होती है,
कि गेंद को लेने के बाद वो देखते रहते हैं। तो इस तरीके में अगर शायद देखिए धोनी के जैसे जो चतुर खिलाड़ी होते हैं ना, तो वहां पे रन भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग का परफॉर्मेंस। और यहाँ पे कैफ बॉलर की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, जोरदार अपील यहाँ पे। और एक अच्छा डिसीजन एम्पायर के द्वारा। इस तरीके से यहाँ पे टूर्नामेंट का जो रुझान है, लोगों का जो इम्प्रेस होना, उस पर चार चांद लगती है। बॉलर की अगली गेंद, सामना करने के लिए सुमित, और बहुत ही अच्छी बॉल, कोई मौका नहीं यहाँ पे। पूरी तरीके से देखा जाए बांध के रख दिया है बैट्समैनों को। नौ बॉल में 26 रनों की जरूरत, बॉल मात्र 9 बची हुई है। और यहाँ पे काफी रोमांचक मुकाबला, सभी दर्शकों को आज का ये फाइनल मैच फाइनल की तरह ही हो रहा है। बॉलर और जोरदार शॉट यहाँ पे खेल दिया है, देखना है आसान कैच, बहुत ही लाला बॉलर नीलेश, अगली गेंद, अच्छा शॉट वहां पे, यार्कर डिलीवरी के प्लेसमेंट किया था, शॉट अच्छा था, हेलीकॉप्टर शॉट के टाइप में खेला गया लेग साइड की दिशा में। इस तरीके के बॉल को शॉट खेलना इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे, थोड़ा जल्दी करें, 7 बॉल पे 25 रनों की जरूरत। थोड़ा कमेटी की तरफ से आदेश हो रहा था गेंद जल्दी से डालें, और एम्पायर कप्तान को बॉल डालने के लिए प्रेरित करें, ज्यादा टाइम पास करने की कोशिश नहीं करें। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अलग स्टाइल में लिया गया। देखा जाए पहली बार यहाँ पे कैच लेने वाला जो खिलाड़ी है, धावा दोन दोन, बहुत ही अच्छा कैच। जैसे वहां पे देखा गया कि गेंद थोड़ा ऊंचाई की दिशा में जा रही थी, हाइट उतना खिलाड़ी की ऊंची नहीं थी, उसने उनका खूबी इस्तेमाल किया और एकदम फटाक से एक सेकेंड में ऊपर जाने के बाद कैच लेने के बाद नीचे आना, ये डिसीजन करना बहुत अवेलेबल, समझो बहुत ही चमत्कारिक तरीके से ये कैच। अगले बैट्समैन, विपुल
अच्छा शॉट लेफ्ट साइड की दिशा में, और ये एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा जो डीक है। पांच बॉल में इस मैच को जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। चार छक्के। कलर की अगली गेंद सामना कर ली। डिक्लेयर का एक रन का इजाफा होता हुआ टीम खाते में, और जैसे जैसे अब रोमांचकता जो थी थोड़ा सा कोशिश, अब यहाँ पे इस तरीके से चार बॉल पे इस मैच को जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। बॉलर की अगली गेंद सामना करने के लिए, अच्छा शॉट तेज शॉट खेल दिया, वहां गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है। 6 रन। तीन बॉल पे इस मैच को जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, रोमांचकता की चरम। अगर यहाँ पे एक दो सिक्सर लगते हैं, एक दो लगने के बाद ही तीनों लगेंगे तो दर्शकों का रोमांचकता बढ़ जाएगा। तीन बॉल पे तीन सिक्स लगते हैं तो मोनित भाई से 500 रुपए। बॉलर की अगली गेंद, और इसी के साथ यहाँ पे रही सही जो भी कोशिश थी वो भी धूमिल हो गई। और अब यहाँ पे मात्र अनपची रखता है शेष रह गए करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। दो बॉल में 16 रनों की जरूरत। गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन का दशहरा का खूबसूरत मैदान जिस तरीके से देखा जाए, आज मैच का आनंद लेने के लिए दर्शक। अच्छी बॉल, और ये डिक्लेयर का एक रन। अभी लगभग ये मैच पूरी तरीके से कौन जीता है? जीत गई। बालाजी 777 के फेवर में जाता हुआ लगभग। हालांकि मैच में काफी अच्छी कोशिश किए थे राधे राधे 11 के खिलाड़ियों ने। इस तरीके से गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही शानदार आयोजन, गंगोत्री प्रीमियर लीग।